डियर चिल्ड्रन, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने बेटा हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर वाला जो चैप्टर है, वी हैव स्टार्टेड विद दैट बेटे, और हमने वर्क डन और उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया भी था कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा, अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स गैदर किया था। तो उसके बाद बेटे हमारे पास कंसेप्ट है एनर्जी का बेटा। एनर्जी क्या है और बेटे कितनी टाइप की एनर्जी हम बेसिकली बात किया करते हैं बेटे। एनर्जी बेटे जो है इट मे बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क बेटे। बेसिकली बेटे हम यहां पर काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जीज की बात किया करते हैं। काइनेटिक एनर्जी आपका क्या है एंड देन बेटे पोटेंशियल एनर्जी आपका जो है ये क्या है। आपको याद होगा काइनेटिक एनर्जी का हमारा मोमेंटम के साथ रिलेशनशिप हमने बेटे एक डिराइव कर रखा है, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको जरूर पूछा जाता है। आई विल बी फोकसिंग अपॉन दैट वेरी पार्ट आल्सो। तो पहले काइनेटिक एनर्जी की बेटे बात कर लें, फिर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाई एन ऑब्जेक्ट बेटा, एनर्जी पोजेस्ड बाई एन ऑब्जेक्ट बाई वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन बेटा। और एज पर अवर बेटे फॉर्मूला इज कंसर्न, वी आर ऑल क्वाइट फैमिलियर विद द फॉर्मूला दैट एनर्जी ई जो है ये हाफ इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड स्केयर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है इसके बराबर हुआ करता है। आइए बेटे थोड़ी सी और डिटेल में बात करके देखिए कि हम इसको डिराइव कैसे कर सकते हैं, डिस्कस कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप एक हॉरिजॉन्टल सरफेस इमेजिन कर सकते हो। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इमेजिन कर लीजिए एक टॉय कार है एंड दिस टॉय कार इज एट बेटे रेस्ट, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है दिस इज जीरो, मास इसका स्मॉल एम कह दिया हमने, इसको पॉइंट ए कह दिया, इस पे फोर्स एक एफ हमने बेटे अप्लाई किया, और आपका जो टॉय कार है इट इज रीचिंग अप टू पॉइंट बी, और बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी वी के बराबर है और डिस्टेंस कवर्ड जो है ये एस के बराबर है। और मोर ओवर क्योंकि बेटे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटीज डिफरेंट हैं तो आपके ऑब्जेक्ट का जो मोशन है दैट मस्ट बी एक्सेलरेटेड मोशन। सो वी विल से दैट इन दिस केस जो वर्क डन है डब्ल्यू जो है दैट इज एफ एस एंड कॉस ऑफ एंगल थीटा हो जाएगा बेटा। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है डिस्टेंस कवर्ड बेटा सेम डायरेक्शन में है एंड थीटा विल बी देन ऑब्वियसली जीरो एंड वर्क डन विल बी एफ एस कॉस जीरो एंड इट इज इक्वल टू एफ एस। इट्स वेल नोन टू अस दैट बेटे एफ आपका जो है दिस इज एम इंटू ए, और यहाँ पे आपने अपनी एफ की न्यूमेरिकल वैल्यू जो ये आपकी है एनालिटिकल वे में इसको सब्स्टिट्यूट किया। अगर हम लॉस ऑफ एनर्जी इग्नोर कर देते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट वर्क परफॉर्म कर रहा है किसी भी तरीके का एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, सारे का सारा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, देन यू विल राइट एफ की जगह पे एम भी आ गया, एस आपका एस एच आ जाएगा बेटा। और हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं और उससे हमें हमारा ये एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा रादर काइनेटिक एनर्जी का। तो वी कैन से दैट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2 ए एस होता है। यहाँ इस केस में यू आपका जीरो है
b square is equal to 2as and as is equal to 1 by 2 into b square. और यहाँ आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया और बच्चों आपका जो काइनेटिक एनर्जी है दिस इज हाफ एम बी स्केयर, ये आपका काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन बन जाता है। एक बेटी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको कहूंगा, यहाँ पर हमने वर्क एनर्जी थ्योरम भी डिस्कस कर रखा है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी डिस्कस कर रखा है। वहां पे हम कहते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, उसको डिस्कस करने के लिए आपके स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेंगे एक्सेप्ट आप यू को जीरो नहीं लोगे वहां पे, और अगर आपका उस केस में आप यू को नॉन जीरो कह देते हो, यू आपके ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी है, वी फाइनल वेलोसिटी है, देन आपका जो ये एनर्जी रादर वर्क डन है इसको मैं डब्ल्यू लिख लूंगा बेटे देन, और डब्ल्यू विल बी थर्ड इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, बी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as एंड as इज इक्वल टू 1 बाई 2 ऑफ बी स्केयर माइनस यू स्केयर हो जाएगा। as की वैल्यू यहां से निकाल कर आप इसमें पुट कर दीजिए, वर्क डन विल बी m इंटू as की जगह पर हाफ बी स्केयर माइनस यू स्केयर आपको मिल जाएगा, और वर्क डन इज इक्वल टू 1 बाई 2 एम बी स्केयर 1 बाई 2 एम यू स्केयर, और वर्क डन आपका डब्ल्यू जो है इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो इन दिस वे बेटी हम अपना जो वर्क एंड एनर्जी प्रिंसिपल है इसको भी जस्टिफाई कर सकते हैं इसी केस में। यहाँ पे हमारा केस में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काइनेटिक एनर्जी का बन जाता है जब आप इसको मोमेंटम से रिलेट कर देते हो। आई विल बी सॉल्विंग वन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फॉर ईच केस आल्सो। काइनेटिक एनर्जी ई जो है ऑफ एम वी स्क्वायर के बराबर है, इट्स वेल नोन टू अस, आपने अभी अभी डिराइव भी किया है। दोनों तरफ आप राइट साइड पे मास से मल्टीप्लाई कर देते हो, मास से डिवाइड कर देते हो, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा बच्चों 1 बाई 2 m into m, it will be m square and v square upon m beta, इसको आप m into v का complete square upon twice m लिख सकते हो, और ये आपका mass into velocity जो है आपको ये बेटे momentum दे देता है। So kinetic energy आपकी जो है object की p square upon twice of m के बराबर है। इस तरीके से आप बेटे अपने kinetic energy के और मोमेंटम के रिलेशनशिप को या काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे बेटे इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है, दैट इज द पॉइंट आई वाज टॉकिंग अबाउट। आइए बेटे दो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा, एक अगर आपको परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम दिया गया है काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसे निकालोगे, अगर आपको परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी दिया गया है तो मोमेंटम में परसेंटेज चेंज आप कैसे निकालोगे, आइए देखिए। यू कैन आल्सो राइट दैट टी इज इक्वल टू 2 इनटू एम इनटू ई अंडर द रूट, दिस इज आल्सो पॉसिबल बेटा। अब हम बेटे आइए अगर इमेजिन कर लें मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is increased by 150%, calculate the percentage change in the kinetic energy, calculate the percentage change in the kinetic energy। मोमेंटम 150% इंक्रीज करने का मतलब है कि आपका नया मोमेंटम जो है, पहली बात तो है बेटे हमारा जो काइनेटिक एनर्जी ई है दिस इज पी स्क्वायर अपॉन 2 एम, दिस इज वेल नोन टू अस, आपके ऑब्जेक्ट का इनिशियल वैल्यू ऑफ द मोमेंटम पी है, मास एम है, काइनेटिक एनर्जी ई है। अब आप जब 150% इंक्रीज दे देंगे मोमेंटम में तो बेटा आपके यहाँ ऑब्जेक्ट का जो है न्यू मोमेंटम जो है लेट अस कॉल दिस एज पी डैश, और ये बन जाएगा पी प्लस 150% ऑफ पी। सो बेटे पी डैश आपके पास बन गया
पी तो था ही था, इट इज 150 अपॉन 100 ऑफ पी, ये जीरोस कट गई, दिस इज 3 एंड दिस इज 2, और आपके ऑब्जेक्ट का जो नया मोमेंटम है जो यहाँ पे न्यू मोमेंटम पी डैश है, दिस इज देन बेटा पी प्लस 3/2 पी, दिस इज 5/2 पी, नया मोमेंटम आपके पास ये वाला निकल गया। अब हमने नई काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, लेकिन और नई काइनेटिक एनर्जी को आप ई डैश बोल दीजिए, दिस इज पी डैश, इसका कंप्लीट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m आ जाएगा, ये पी डैश की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ई डैश दिस इज 5/2 पी, इसका कंप्लीट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m आ जाएगा, और इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं, e डैश 5 का स्क्वायर बेटे 25 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इट विल बी 4, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स p स्क्वायर अपॉन 2m मैंने ऐसे रख ली है, और ये चीज आपका जो है ये वाला ये आपका बेटे इनिशियल वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी के बराबर e आप ऑलरेडी कह चुके हो, सो वी कैन से दैट बेटे इन दिस केस आपका जो e डैश है this is equal to बेटे 25/4 times e, इसको e बोला हमने, e dash upon e जो है this is 25/4, e dash upon e minus 1, 25/4 minus 1, e dash minus e upon e, this is 21/4, 100 से दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और आपका जो डेल्टा ई अपॉन ई इनटू 100 है, दिस इज 525% आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, सो दिस इज द फिगर वी आर गेटिंग। लेट मी रिपीट द स्टेप्स, ऑल द स्टेप्स वंस अगेन, आपको कहा गया था मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 150%, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ऐसे रिलेटेड है ये हमें पता है, अब नया मोमेंटम आपका इनिशियल वैल्यू ऑफ द मोमेंटम पी प्लस 150% ऑफ पी आपने और ऐड कर दिया, सो ये बेटे बन गया आपका पी प्लस 150/100 ऑफ पी, 50 से डिवाइड किया आपने 3/2 आ गया, एंड दिस इज 5/2 पी, नया मोमेंटम आपका 5/2 टाइम्स इनिशियल मोमेंटम आ गया। अब नई काइनेटिक एनर्जी आप इसको बेटे पर योर कन्वीनियंस इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, इसकी वैल्यू आपने नई काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ये बना, पी डैश की वैल्यू डाल दी यहाँ पे 5/2 × p, इसका कंप्लीट स्क्वायर जब आप करोगे तो स्पेशली ये वाला जो आपका न्यूमेरिकल फिगर है 5/2 जो है इसका स्केयर आपने सेपरेटली करके लिख लिया, 5/4 आ जाएगा ये, बाकी जो ब्रैकेटेड चीज है ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंगली ई रह जाएगी। अब आपने क्या किया, ये ई लिख दिया, ई को आपने इधर शिफ्ट किया, और बेटे यहाँ पे ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे है परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी की चेंज निकालने का, कि दोनों तरफ से आप -1 कर दीजिए, देन 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगी, और ये प्रीप्रीव आपका 525% ऑफ द जो इंक्रीज है काइनेटिक एनर्जी का, ये बेटे हमें मिल जाए। अब बेटे कई बार इसका रिवर्स भी पूछ लिया जाता है, यहाँ पे तो आपको बताया था ना कि मोमेंटम 150% इंक्रीज किया है, और अगर वो कह दे नहीं मोमेंटम नहीं जी हमने काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की है, देन व्हाट मे बी द पॉसिबल चेंज और द परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम, लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट दैट आल्सो बेटा, आइए देखें सोचें उसको भी समझें साथ साथ और कैलकुलेट करके देखिए। सो डियर चिल्ड्रन वी हैव फर्दर न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ बेटे, सेकेंड न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं,
the kinetic energy of an object is increased by 50%, right? Ji, calculate the percentage change in the momentum. Calculate the percentage change in the momentum. Momentum में कितने percent change notice किया जाएगा? This is with what we intend to calculate. आपका बेटे देखो expression था momentum के लिए, it is 2 into m into e under the root e आ गया. काइनेटिक एनर्जी अब आपने 50% बेटे इंक्रीज की है, इसको इक्वेशन नंबर 1 आपने कह दिया. तो न्यू काइनेटिक एनर्जी को ई डैश कह दीजिए. दिस इज इनिशियल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस 50% ऑफ ई आपके पास आ गया. सो ई डैश इज ई प्लस 50/100 ऑफ ई बेटा, ये चीज बन जाएगी. दिस इज ट्वाइस. This is E plus 1/2 of E beta, and E dash jo hai, this is with E plus 1/2 of E. E aapke paas ban jayega 3/2 times E. Zara check kar lijiyega. 2 aap LCM le loge, aur it will be 2E plus E. It will be 3E divided by 2SH. So you will get this thing with E. Ab aapka bacho naya momentum jo P dash hai. It will be equal to 2 into m e dash. इसकी जगह पर आप e dash लिखोगे. नई kinetic energy की value जो है आपकी, it is let me write as such. First of all, this is 2 into m into e dash all under the root. और आपने इसको यहाँ पे substitute किया. P dash बन जाएगा 2 into m into 3/2 of e. इसको हमने ऐसे ही रहने दिया. इसमें देखिए अब आपका 3/2 बेटे रूट में है, एंड लेट इट बी इन द स्क्वायर रूट ओनली. 3/2 को आप कुछ मत करिए, ऐसे ही रहने दीजिए. एंड रेस्ट ऑफ द थिंग आपकी 2 इनटू m इनटू e है, इसको आप सेपरेटली ऐसे ही रख लो. अब ये आपका इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये देखिए p के बराबर है. अगर आप यहां पे देखो तो ये p के बराबर का है आपका. So P dash आपके पास आ जाएगा 3/2 under the root into P बेटा. यहाँ पे फिर आपको बेटे जो आपका short method है percentage change निकालने के लिए, वो आपको लगा लेना चाहिए. You will get P dash upon P to be equal to root 3/√2. इसको P को मैं left side पे बेटे adjust कर रहा हूँ. अब यहाँ पे बेटे जब आप percentage change निकालोगे तो आप -1 और डेल्टा चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए कर लोगे. सो इट विल बी पी डैश अपॉन पी -1 √3/√2 -1. एंड यहां पे एलसीएम जब आप लोगे पी डैश माइनस पी अपॉन पी √3 -√2/√2 बेटा, और इट विल बी डेल्टा पी अपॉन पी, ये आता है 1.732 -1.414 डिवाइडेड बाई 1.414. दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जितना भी आपका बेटा चेंज आ जाएगा वो आपको परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम आपको दे देगा. सो इन दिस वे आपने ये टाइप के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं बेटा. बिफोर आई प्रोसीड फर्दर बेटा, अंजलि, ख्याति, नमन, रमन, हरमन एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर कोई भी आपको बेटे पॉइंट नहीं पता चला तो बता दीजिए. आई कैन रिपीट दैट बेटा. ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से. अंजलि, ख्याति, नमन, रमन, हरमन, बेटे कोई बात आपको नहीं पता चली है तो जरूर बता दीजिए, सो दैट दैट कैन बी रिपीटेड. बट वी हैव टू डू इट एज ए मस्ट बेटा, इसको नहीं छोड़ सकते. ओके बेटे, आई होप कि सबको क्लियर है. वैसे तो चलो हम रिवाइज ही कर रहे हैं चीजों को,
और इसके बाद बेटे एक छोटा सा और मेरे पास आइडिया है। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बहुत बार आपको कहा जाता है कि आप इनके बारे में कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या आप इनको किस तरीके से डिफाइन करोगे। तो आइए बेटे फ्यू मिनट्स इस कंसेप्ट के ऊपर भी डिबेट करें, देन फिर मैं आपको थोड़ा सा एनर्जी कंजर्वेशन करवाकर देन वी विल फिनिश विद दिस ऑल डिवीजन वर्क। सो आइए डियर चिल्ड्रन देखें थोड़ा सा कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बेटे जो हैं ये कौन सी फोर्सेस हैं और कैसे हमारे लिए ये हेल्पफुल होती है। कंजर्वेटिव फोर्सेस बेटे बेटे कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जिसका वर्क डन जो है बेटा इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करे एंड पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट जो आपकी ऑब्जेक्ट ने फॉलो किया उस पर डिपेंड ना करे। फिर से बेटे ध्यान दीजिएगा कंजर्वेटिव फोर्स जो है इफ वर्क डन बाई ए फोर्स डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द पाथ देन दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। सबसे अच्छा एग्जाम्पल बेटे कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो है ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, बेस्ट एग्जाम्पल है इसका बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्टिल एन अदर एग्जाम्पल बेटे ऑफ द सेम। मे बी आप अपना ग्रेविटेशनल फोर्स ले लें, मे बी आप अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले लें, कोई भी एग्जाम्पल दे सकती हो बेटा। अब मैं ग्रेविटेशनल फोर्स बेटे यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स, और हम बेटे कैसे कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कंजर्वेटिव इन नेचर है। इसके लिए जरा ब्रीफ स्टेप्स हैं मेरे पास, इनको थोड़ा सा समझिएगा। ये आपके पास बेटे ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल पे आपने स्मॉल एम मास का कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है। इसका बेटे ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा डब्ल्यू एम जी के बराबर जो है इट इज एक्टिंग वर्टिकली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को बेटे लिफ्ट करना चाहते हैं इन द अपवर्ड डायरेक्शन यू विल हैव टू अप्लाई यू फोर्स एफ व्हिच इज मिनिमम इक्वल टू एम जी सो दैट कि आप इसको विदाउट एनी एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट कर सकें। और इसको अपवर्ड डायरेक्शन में जब आप लिफ्ट कर रहे हो इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो और इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म दैट मे बी सेड। और आपने इस ऑब्जेक्ट को बाई ए हाइट एच एडजस्ट कर दिया और आपने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। आपका इस केस में वर्क डन जो है ये आपके पास बेटे जो है दैट विल बी इक्वल टू एम इन टू जी इन टू एच, या आप ऐसे कह लीजिए एनर्जी आपको जितनी स्पेंड करनी पड़ी ये एम जी एच के बराबर होगी। और आप इस तरीके से ये देख सकते हैं कि एच हाइट पे डिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। इसी को मैं अगर बेटे इस तरीके से लिफ्ट करना चाहूँ, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है मान लीजिए और ये हाइट तक आप लेके जाना चाहते थे बट वी आर नाउ शिफ्टिंग इट अलोंग दिस दिस पर्टिकुलर पाथ बेटे इंक्लाइंड प्लेन का अगर थीटा आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस प्लेन कह सकते हो। आप इसके अलोंग जब इसको लेके जाओगे यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा ए बी सी, आप इस इंक्लाइन प्लेन का नाम रख सकते हो।
जब आप अपने ऑब्जेक्ट को इस तरीके से लेके जा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका वेट एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन आर इसका भी इस तरफ एक्ट करेगा। और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर, तो ये एंगल भी थीटा होगा, इट विल बी एम जी कॉस थीटा, एंड हियर दिस इज एम जी साइन थीटा, ये आपका अप्लाइड फोर्स है एफ। आपने अपनी बॉडी को फ्री बॉडी डायग्राम की फॉर्म में सेपरेट कर लेना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही है इनको मेंशन कर देना अच्छे से, और मेंशन करने के बाद आपके पास ये डायग्राम आपका बन जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन बिटी आर जो है ये एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर लेगा, और आप जितनी फोर्स लगा रहे हो मिनिमम ये एम जी एंड साइन ऑफ एंगल थीटा के बराबर होनी चाहिए। अब बेटी वर्क डन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक शिफ्ट करने के लिए दिस इज एफ इनटू ए बी के बराबर होना चाहिए, ए बी बीइंग द लेंथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन और द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम द पॉइंट ए अप टू द पॉइंट बी, और यू कैन से दैट इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अगर बेटी ऐसा है, वर्क डन जो कि एनर्जी के बराबर ही है, इट विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ये आपका एफ था, मल्टीप्लाइड बाई ए बी आ गया बेटा। साइन थीटा को आप डायग्राम से थोड़ा सा ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज को आप साइन थीटा कहते हैं, सो इट विल बी एम जी साइन थीटा आपके पास आ गया बेटे, बी सी परपेंडिकुलर, ए बी आपका हाइपोटेन्यूज, एंड आपका ए बी एस एच है। फिर से ध्यान दीजिएगा बेटे, आर आपका एम जी कॉस थीटा के बराबर था, ये आपका एम जी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए मिनिमम वैल्यू, और वर्क डन एफ इंटू डिस्टेंस के बराबर है, एफ आपका एम इंटू जी इंटू साइन ऑफ थीटा के बराबर था, साइन थीटा की वैल्यू आपने इस ट्रायंगल से निकाल ली परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज लगाकर, सो डियर चिल्ड्रन ए बी आपका कैंसिल आउट हो गया, इट इज एम जी इंटू बी सी। आप इस बी सी को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये आपका एच हाइट के बराबर का डिस्टेंस है, सो अगेन आपका वर्क डन इट इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच आ जाएगा। और सिंपली आप ये कह सकती हो बेटा कि आपके ऑब्जेक्ट का जो वर्क डन है यहाँ पे, ये अगेन एच हाइट पर ही डिपेंडेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाई द पार्टिकल, और बिकॉज ये बेटे पाथ पे डिपेंडेंट ही नहीं है, हमारा जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ ये एब्सोल्युटली बेटे कंजर्वेटिव इन नेचर है। इसके बाद बेटे थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाता है हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का, बट बिफोर स्टार्टिंग द डेट बेटा अंजलि ख्याति नमन रमन हरमन एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर कोई भी किसी बच्चे को बेटे कोई दिक्कत है तो बताइए, और इसमें कोई डाउट है या कोई और कोई आपका पॉइंट है तो बता दीजिए, मैं वो रिपीट कर दूँ। ओके ना, इसे इसके बाद बेटे हमारे पास बात आ जाती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। बेटे आइए थोड़ा सा ब्रीफली इसके बारे में बेटे डिस्कशन करके देखें, अगर कोई फोर्स बेटे जो है वर्क कर रही है और वो जो वर्क डन है बेटे वो पाथ पे डिपेंडेंट है, टोटली पाथ पे डिपेंडेंट है, देन वी से दैट कि वो फोर्स आपकी जो है वो आपकी बेटे कंजर्वेटिव फोर्सेस की फॉर्म में हम उसको काउंट कर सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा बेटे, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के कंसेप्ट में हमारी वो फोर्सेस जो पाथ पर डिपेंड ना करके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंडेंट होती हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाती हैं, और जो पाथ लेंथ पर डिपेंड करती हैं कि एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कितना कवर हुआ है, वो सारी फोर्सेस आपकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाएंगी। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में बेटा हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है फ्रिक्शनल फोर्स का है, आइए थोड़ा सा बात करके देखें फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में कि वो नॉन कंजर्वेटिव बेटे कैसे हुई कैसे वो नॉन कंजर्वेटिव बेटा। फ्रिक्शनल फोर्स बेटे आपके पास कोई
हॉरिजॉन्टल सरफेस है, आपके पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है वेट एम जी, इसका वर्टिकली डाउनवर्ड है, नॉर्मल डायरेक्शन इधर है, ये आपका अप्लाइड फोर्स है और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और आपका ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस एस कवर करके बी पॉइंट पे पहुंच गया आपका स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए। फ्री बॉडी डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, वेट एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, ये नॉर्मल डायरेक्शन, ये अप्लाइड फोर्स, दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी और द ऑब्जेक्ट के, और आपका बॉडी ए से बी तक पहुंच गया ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स। इस केस में देखिए वर्क डन जो है आपका, ये निकालने के लिए आपको अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, ये आपका अप्लाइड फोर्स था और डिस्टेंस कवर्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को विदाउट एनी एक्सेलरेशन मूव करवाना चाहते हैं, आपका जो अप्लाइड फोर्स है इसकी मिनिमम वैल्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होनी चाहिए, इससे कम होगी तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन का केस बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा। सो वर्क डन डियर चिल्ड्रन आपके पास बन गया जी। अब इनकी डायरेक्शन को आप अगर ले लें तो ये माइनस एफ एस बन जाएगा वर्क डन बाई द फ्रिक्शनल फोर्स, और एफ आपका निकालने के लिए आप बड़े अच्छे से जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन की रेशियो होता है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू इनटू आर हो गया पुत्र, ये वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डेफिनेशन से मैंने निकाल लिया, ये बन गया म्यू इनटू आर इनटू एस डी एल चिल्ड्रन, और आर यहाँ से देख लीजिएगा ये एम जी के बराबर है, आपका नॉर्मल रिएक्शन वेट को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। सो वर्क डन पुत्र बन गया म्यू एम जी और एस। बेटे यहाँ पे बात नोटिस करने वाली है कि ये डिस्टेंस कवर्ड ऑफ द बाई द ऑब्जेक्ट इस पे डिपेंडेंट है, सारे के सारे डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, बिकॉज इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द पाथ, दैट इज वाई वी से दैट इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एंड इन दिस वे आप ग्रेविटेशनल एंड आपकी जो ये फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं इनको प्रूव कर सकते हैं कि ये कॉरेस्पॉन्डिंगली कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव होंगे। So dear children, with this this chapter also with this stands finished. So best of luck from my side for your exams, beta. किसी भी student को कोई बात कहनी है या पूछनी है तो बता सकती हो beta. Dear children, yes beta. क्या टी नमन रमन हरमन, okay beta. Best wishes from my side beta. Thank you all.